हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट की बाजार पर। दोस्तों, सेलो आईपीओ की कल अपने को लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। बेसिकली इस वीडियो में हम आईपीओ की फाइनल ग्रे मार्केट पर डिस्कशन करने वाले हैं। जिनको नहीं मिला, क्या स्ट्रैटेजी उन लोगों की होनी चाहिए एंड क्या आज का करंट ग्रे मार्केट प्लस प्रॉफिट पर लॉट है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, लिस्टिंग डेफिनेटली दोस्तों कल आपको होती हुई देखने को मिल जाएगी। बता दूँ, जिन्होंने फर्स्ट टाइम आईपीओ में अप्लाई किया, जिनको मिला है, 9:45 पर आईपीओ आपको प्री ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा, 10 बजे लिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। शेयर जो है आपके डीमैट अकाउंट में आते हुए देखने को मिल गए होंगे। आप आपके पोर्टफोलियो में जाकर सुबह चेक कर लीजिएगा, 9 बजे से पहले पहले आई थिंक सो आपके पोर्टफोलियोज में शेयर शो होने लग जाएंगे। एंड रही बात लिस्टिंग की, तो दोस्तों डेफिनेटली 1900 करोड़ का ये इशू था एंड सब्सक्रिप्शन इसमें जोरदार निकल कर आता हुआ देखने को मिला था। ऑलमोस्ट 41.69 टाइम्स दोस्तों ये आईपीओ भरता हुआ देखने को मिला था, जिसमें क्यूआईबी पोर्शन डेफिनेटली ये पोर्शन 122 टाइम भरता हुआ देखने को मिला था। और जिस दिन ये सब्सक्रिप्शन आया था, उसी दिन मैंने प्रेडिक्शन कर दिया था कि ग्रे मार्केट में तेजी आएगी, और तब से आज तक ग्रे मार्केट में अपने को स्टेबिलिटी प्लस तेजी देखने को मिली है। एंड यहां पर ग्रे मार्केट की शुरुआत करते हैं चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट से। सबसे पहली ग्रे मार्केट 160 रुपये, दूसरी ग्रे मार्केट भी 160, तीसरी भी 160, लेकिन चौथी ग्रे मार्केट 155। तो करंटली अगर आप देखेंगे तो 155 से 160 रुपये की ग्रे मार्केट कहीं ना कहीं रहती हुई देखने को मिल रही है। चार वेबसाइट्स का मैंने यूज़ लिया है, चित्तौड़गढ़.com, चाणक्य.com, आईपीओ वॉच एंड आईपीओ सेंट्रल। कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन अब साफ होता हुआ देखने को मिल रहा है कि लिस्टिंग की रेंज होगी वो 22 से 25% के बीच में रहती हुई देखने को मिल सकती है। उसके हिसाब से प्रॉफिट पर लॉट की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट पर लॉट यहां पर लगभग 3,680 रुपये का रहता हुआ देखने को मिलेगा अगर आईपीओ अपने को 160 पर लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा। बट कहीं ना कहीं जो रेंज यहां पर निकल कर आ सकती है, वो रेंज दोस्तों 3,000 से 3,500 के बीच में रहती हुई देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली एक वाइडर रेंज में आपको बताता हुआ देखने को मिल रहा हूँ। एंड एसएल की अगर बात करें तो मान लीजिए अगर ये आईपीओ दोस्तों 800 रुपये पर लिस्ट होता है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, इसको -20 कर देंगे तो 780 रुपीज़ का। तो 20 रुपीज़ का स्ट्रिक्ट एसएल रखिएगा, बाकी डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट आप इस आईपीओ में लेकर जाएंगे। एंड फेयर बाइंग रेंज क्या है, जिन लोगों को नहीं मिला है तो वो कहीं ना कहीं 750 रुपये के आसपास बैठता हुआ देखने को मिल रहा है। बट एक बार फिर कहूँगा, फाइनल डिसीजन जो होगा वो आपके और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र का होगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर इस काउंटर में खरीदारी या बिकवाली करें। वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दिस वीडियो।